ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 24 तारीख सितंबर 2021 के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, बाबा जब भगवान वह शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंछ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच बोला है, ब्रह्मा बाबा ने। परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवान वाच, ब्रह्मा बाबा, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह कौन बैठा है? भगवान कहाँ है? ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंछ जाते हैं। लेकिन भगवान वाच है जरूर। कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो, बनना ही है तो श्री कृष्ण जैसा स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से तो ही बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी बनेंगे कोई। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ। मेडिकल कॉलेज में चले या लॉ कॉलेज में जाते हैं तो डॉक्टर वकील बनकर के बाहर निकलते हैं। परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे ना। ये तो 100% राइट बात है कि पढ़ना तो चाहिए। हर बात, हर विद्या को सीखने के लिए टाइम निकालना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उन्होंने की आपस में सगाई होती है। बाबा राज क्लियर कर रहे हैं। अलग अलग कैपिटल के वो बच्चे हैं, राजाई के बच्चे हैं, उन्होंने की आपस में सगाई होती है। शादी के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया हुआ है। वही परंपरा अभी भी चल रही है। शादी के बाद खाली जो पत्नी होती है उसका नाम बदलता है, पति का नाम नहीं बदलता है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी नंबर वन भगत था, नारायण के भक्त थे ब्रह्मा बाबा। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात तो एक ही है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाबा कहते हैं बच्चों तुम ज्ञानचिता पर बैठ गोरे बने हो, फिर कामचिता पर बैठ सावरे बन जाते हो। इसलिए श्याम सुंदर कहा श्री कृष्ण को ना। द्वापर कलयुग श्याम और सतयुग त्रेतायुग सुंदर। यह है कंसपुरी, अभी है कंसपुरी। मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। यहाँ कोई में भी सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने।
बनना है योग बल से, बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती है, फिर बंदूकों तलवारों से युद्ध होता है या लड़ाई होती है, अब तो होती है बॉम्ब से। इन्वेंशन इतनी निकली हुई है साइंस की, बस खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे यहाँ बटन दबा देंगे और जिस एरिया को ख़त्म करना है उसको ख़त्म कर देंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों यह है पाठशाला, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वह अब 84 जन्म लेकर के कलयुग में बेघर बना है, जन्म लेते 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 नीचे आते हैं तो तमो प्रधान बनते हैं, बेघर बनते हैं। भारत में ही उनका राज्य था, भारत में ही श्री कृष्ण का राज्य था, उनको पुनर्जन्म लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहते हैं तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? हाँ, भगवान कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं और श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो है ही निराकार, वो है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं ना हम आत्माएं सब भाई भाई है। बाबा समझाते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी है हम पतित बन गए हैं पावन बनाने के लिए, बाबा आओ। तो बाबा कहते मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम सब आत्माएं अब वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। जन्म लेकर के थक गई है आत्माएं, बाबा कहते अभी वापस जाने का समय है। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके, यह ज्ञान है एक बाबा के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का आधार लिया है, लोन लिया हुआ है। शरीर बिगर आत्मा, शरीर के बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान वाच है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आएंगे तो जन्म जन्म और मृत्यु, ये तो चक्र है, इस चक्र में भगवान भी आ जाएंगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, बनी बनाई रेडीमेड जो जीवात्मा होती है उसमें वो प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मा बाबा तो 60+ थे, तभी शिव बाबा ने आकर के उनमें प्रवेश किया, क्योंकि अनुभवी रथ चाहिए ना बाबा को। गर्भ में आने वाले को पुनर्जन्म में आना पड़ता है, मैं एक ही बार आता हूँ, कलप कलप युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं एक ही युग में संगम युगे ही आता हूँ, युगे युगे नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना जवाहरत का धंधा करता था, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जवाहरत धंधा करते थे, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावनहार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा बाबा से कराते रहते, ये भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो बाबा के साथ। तत्त्वम बोलते हैं तुमको परंतु सुनता पहले मैं हूँ, इसमें अभी बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा आते हैं बच्चों को सुनाते हैं मुरली तो मैं भी सुनता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ। पढ़ाने तो बच्चों को आता हूँ परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है, बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था ना, स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नारायण के भी हिसाब से देखें तो श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा है, नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की, दोनों इकट्ठे नहीं हैं।
बच्चों को समझाया है परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना भक्ति नहीं करो, उनको ज्ञान देना है। बाबा तुमको ज्ञान दे स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है। फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करना है, हमारी यही मेहनत है। हेविन की स्थापना करने वाला है हेविनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा, सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, हर कल्प में संगम युग में आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल युगे युगे लिख दिया है, तो भी चार युग है, पांचवा है यह संगम युग। अच्छा फिर तो पांच अवतार मानो ना, दशावतार बताया है। बाबा कहते पांच अवतार मानो, सतयुग त्रेता द्वापर कलि संगम। परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम वराह क्या क्या बोलते हैं ना, ये अवतार होते हैं क्या? अभी साधारण ब्रह्मा के तन में मनुष्य के तन में परमात्मा आए हैं, उनको नहीं जान सकते हैं। और फिर ऐसे जानवरों में आएंगे तो कैसे समझ सकेंगे? तो बाबा कहते हैं ये सभी शास्त्रों की बातें हैं। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह दिया है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू, और जहाँ हिंदू रहते वो हिंदुस्तान, तो हमारे भारत का भी नाम बदल दिया है। अभी हिंदुस्तान से अभी इंडिया हो गया, इंडिया से फिर इंडो क्या क्या बोलते हैं। तो भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? भगवान ने भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति हिंदुस्तानम इंडिया, ऐसे नहीं कहा ना, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाबा समझाते हैं तुमने कोई एक जन्म थोड़े ही भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे, एक उपासना। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पति शरीर में बैठ बताते हैं मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को, पतित शरीर में पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं, कितनी क्लियर बात बाबा समझाते हैं। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति कंप्लीट हो गई। कोई भी फल जब पेड़ को पक जाता है ना, तो आराम से निकल जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है। बाबा कहते भक्ति भी छूट गई, अनायास ही तो छोड़ा। तुमको कोई को भी नहीं कहना है कि भक्ति नहीं करो, क्योंकि भक्ति तो फर्स्ट स्टेप है ज्ञान में आने के लिए। तो अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर आठ डिनास्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुगा, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुगा। श्री कृष्ण प्रिंस ऑफ सतयुगा, और फिर नारायण बनने के बाद किंग ऑफ सतयुगा कहेंगे। आठ पीढ़ी उनकी चलती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो, देखिए नहीं लेकिन हम सब बाबा के बच्चे बन सकते हैं प्रिंस। बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, भक्ति में कोई सुख नहीं है, यह है देख रहे हैं हम सभी। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ है, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, इसमें रोने की क्या दरकार है? अच्छा है ना स्वर्गवासी हुआ, तो रोते क्यों है? स्वर्ग अब यहाँ है क्या? परंतु समझते नहीं है, कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म है। ईश्वर का बुलावा आया
चला गया। सुख दुख सब ईश्वर ही देते हैं, सब ईश्वर के ही रूप है। परंतु बाबा कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, एक तो 5000 साल के बाद मैं आया हूँ आप बच्चों से मिलने के लिए, और आकर के दुख थोड़े दूंगा। बाबा के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं ना। बाप के बच्चे कब बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या, पापा मुझे दुख दो थोड़ा, मुझे ये करो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बच्चे। बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उनको प्रॉपर्टी दे करके जाते। बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाबा कहते हैं अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, बाबा ये दो बाबा वो दो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी यहाँ ही खत्म होगी, बच्चों को क्या मिलेगा, इतना समय भी नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। पहले के ज़माने में टाइम था तो लोग भी कमा करके रखते थे बच्चों के लिए, अभी बाबा कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम है नहीं, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं, यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो विनाश 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 ही करती रहती है। के कहानी भी है ना, शेर आया आखिर तो आया ना, खा करके गया ना। अभी हम तो विनाश बिल्कुल ही नहीं बोलते, सबको पता चला है अभी विनाश हो ही रहा है, होने वाला नहीं है, हो रहा है, हम तो कहते हैं परिवर्तन हो रहा है, पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आएगी। सब समझाते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा है कालों का काल महाकाल, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा, तो शरीर तो छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाए अंत में खानी पड़ेगी, फिर उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत स्टडी किया हुआ है बाय हार्ट बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने 21 जन्म राज्य पाते हैं, कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है, किसको भी भक्ति नहीं छुड़ानी, आज थर्ड टाइम बाबा ने बोला है, कोई भी भक्त बहुत प्यार से किसी देवी की या देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो करने दो उनको, उनकी जब भक्ति पूरी हो जाएगी आप ऑटोमेटिकली वो आकर के ज्ञान सुनेंगे। बाबा आए हैं भक्ति को, भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, यह है ऊंच से ऊंचते ऊंच पढ़ाई, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है, और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा तो दुख भी नहीं देखा, बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, बाहर वाले मना बाबा विदेश वालों के लिए कह रहे हैं, पैसा तो बहुत है तो क्या करते, गरीब देश को कर्जा देते हैं, उन बेचारों को पता नहीं ये तो रिटर्न हो रहा है, कहते हैं हम भारत को कर्जा दे रहे हैं लेकिन हमारा ही लूटा हुआ आपने ले लिया है, और वो कर्जे के रूप में आप हमें रिटर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर क्या कर सकेंगे, भंबोर को आग लग जाती है फिर तो टू लेट हो जाता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं देते ना, बाबा को आकर के कहते हैं बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो वो कह देते हैं यह तो नास्तिक बन गया है, ब्रह्मा कुमारी में जाके
पूजा नहीं करता है तो नास्तिक बन गया। बाबा राय देते हैं, साक्षी होकर के बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, करनी पड़ती है, घर वालों को संतुष्ट करना है तो करो, बाबा कहते हैं पूजा। लेकिन एक होता है दिल से करना और दूसरा होता है दूसरों को राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है, अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो खुश हो जाएंगे। देखो यदि किसी को खुश करना है, बहुत तंग कर रहा है आपको, तो क्या करो, उनको कहो हम आज पूजा करके दिखाएंगे आपको, और बड़े प्यार से करो। ये कोई पाप का काम थोड़ी है पूजा करना, ये पाप का काम थोड़ी है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, जो गृहस्थी है उनको बाबा कहते हैं भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, टाइम मिलेगा, शादी में तो लोग बहुत आते हैं मेहमान, तो उनको ज्ञान सुनाने का चांस होता है, सुनाओ। युक्ति से चलता है, बाप का फरमान है, अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसे ऐसे युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाबा सिखलाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अर्थात तब तो पति से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी ये व्यापार करे, ज्ञान योग का व्यापार जो है बिरला ही करें, अर्थात तो वैकुंठ की बादशाही लेवे, श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, मुफ्त में पैसा खर्च कर रहे हैं, मुफ्त में पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ फल नहीं निकले, घर बार भी इसको संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है, राय लेनी है बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्चे कहते हैं हम शादी करें, कोई गृहस्थी आते हैं और कहते हैं बाबा मेरी बेटी कह रही है मेरी शादी कर दो, तो बाबा कहते शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि इनका हिस्सा है, इनको दे दो, बच्चे का भी उसमें हक होता है प्रॉपर्टी में, उसका हिस्सा है उसको देना पड़ेगा, शादी में देना पड़ता है। बाबा सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ करके श्रीमत पर चलो, बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, जिसको बाबा बैलेंस कहते हैं, लौकिक से भी युक्ति युक्त चलना है। दूसरी पॉइंट है इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं, वापस घर जाना है पावन बनना है। यदि आप कन्या है आप कुमार है तो भले आप पवित्र रहे, कोई बंधन नहीं बनाए जो तोड़ने पड़े, आज का वरदान है। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव, किसी भी प्रकार के विघ्नों से कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं, उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच भी नहीं कर सकता है,
वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति वैभव से सहज ही किनारा कर सकते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता है। ये जो शक्तिशाली आत्मा है, शक्तियों से संपन्न अलंकारी रूपधारी है, अष्ट शक्ति हमारी है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा को पुराने स्वभाव संस्कार टच भी नहीं कर सकते हैं। आज का स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।